ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी डिटेल या फिर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुके हैं हम लोग, और साथ ही में रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब जो पुराने व्यूअर्स है या फिर रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन ऐसे लोग जिनको मतलब कि जो लोग पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी वीडियो को आप प्ले करते हो तो फिर उसको स्किप किए बिना पूरा एंड तक ज़रूर देख लिया करो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। बाकी खैर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम लोग क्रेटा के बारे में डिटेल में, तो क्रेटा फेसलिफ्ट की डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको लॉन्च प्राइस वगैरह वीडियो का एंड तक पता चलेगा, साथ ही में इन बिटवीन द वीडियो आपको एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में पता चलेगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। बाकी खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि मतलब जैसे टॉपिक या फिर नीच वाइज हम लोग जैसे बात करते हैं एवरी वीडियो के अंदर, वैसे ही इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले और कैटेगरीज के अंदर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। खैर क्रेटा की बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे जो कि होने वाला है गाड़ी के साथ में एक्सटीरियर। तो गाड़ी जब भी फेसलिफ्ट के साथ में आएगी तो उसके एक्सटीरियर के अंदर क्या चीज़ें होने वाली है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो फ्रंट के अंदर बात करें तो ग्रिल जो हमें देखने को मिलेगी वो ट्यूसो से इंस्पायर्ड देखने को मिलने वाली, तो इस वजह से मतलब कि ग्रिल के अंदर आपको मर्ज DRL देखने को मिलेगी। फ्रंट हेडलैम्प्स वर्टिकल शेप के अंदर देखने को मिलेंगे, फ्रंट बम्पर पूरा चेंज होगा। साइड की बात करें तो आपको टायर साइज और डायमेंशन गाड़ी के सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। रियर की वहीं पे बात करें तो आपको टेल लैम्प्स के अंदर ट्विक्स देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट सेपरेटेड टेल लैम्प्स आपको देखने को मिलने वाला है जो कि अभी वाली की डिज़ाइन के कंपैरिजन में और ज़्यादा नोटिसेबल या फिर सिग्निफिकेंट जो चेंज है वो लेकर आने वाले है। बाकी गाड़ी के साथ में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, Level 2 का ADAS और साथ ही में आपको गाड़ी के साथ में पैनोरामिक सनरूफ, वॉइस असिस्टेंट के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो एक्सटीरियर के अंदर मोटा मोटी तौर पर ये सारी चीज़ें मेन हाइलाइटेबल थी जो कि गाड़ी के साथ में आने वाली है। आगे बढ़ेंगे और सेकंड पॉइंट की बात होगी जो कि होगा इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर क्या चीज़ें बदलाव के अंदर आने वाली है या फिर ज़्यादा अपडेट्स को लेकर आने वाले उसके बात करेंगे। मैंने अभी आपको बोला Level 2 का ADAS आने वाला है, तो अब Level 2 का ADAS आएगा तो इस वजह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स को एड ऑन किया जाएगा। मतलब कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर फुल डिजिटल आएगा और उसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको अंदर फीचर्स को ऐड किया जाने वाला है। बाकी इंफोटेनमेंट के अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो होगा, एप्पल कारप्ले होगा, एम्बियंट लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी गाड़ी के साथ में, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। फ्रंट के दोनों सीटें वेंटिलेटेड होगी, दोनों सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी। फ्रंट का जो कूल्ड ग्लव मतलब ग्लव बॉक्स होगा फ्रंट का, वो भी कूलिंग फंक्शन के साथ में देखने को मिलेगा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर के अंदर मेन हाइलाइटेबल पॉइंट्स के तौर पर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि होने वाला है इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शन। इंजन एंड गियरबॉक्स के अंदर क्या चीज़ें होने वाली है, तो वेल वहाँ पे कोई भी चेंज बदलाव के साथ में नहीं आने वाली है, लेकिन क्रेटा इनलाइन के अंदर ज़रूर 1.5 टर्बो पेट्रोल आने वाला है। बाकी नॉर्मल क्रेटा के अंदर एज इट इज़ जो मिल रहा है वही कंटिन्यू होगा। बात करें प्राइसिंग की तो 10 to 18 lakhs एक शोरूम, तो 10 से लेके 18 लाख तक एक शोरूम जाएगी, लेकिन ऑन रोड की बात करें तो 22.5 lakhs आप मान के चल सकते हो, तो 22.5 से लेके 23.5 lakh तक आप बोल सकते हो। और वहीं पे लॉन्च की बात करें तो नवंबर से लेके दिसंबर के फर्स्ट के 2 वीक जो होंगे उसी के बीच में लॉन्च है अभी तो, लेकिन जैसे ही कोई डेट वगैरह निकल करके आती है आपके लिए नया वीडियो हम लोग ज़रूर लेकर आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट को रेफर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।